की स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 2 जून 2023 और 2 जून 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 6.8%, सेकेंड ऑप्शन है 7.0%, थर्ड ऑप्शन है 7.1% और फोर्थ ऑप्शन है 7.5%। तो बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी 7.1%। कितने परसेंट, 7.1% है। फरवरी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुरूप SBI इको रैप रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि 7.1% रहने का अनुमान लगाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट GSLV F12 के साथ एक और मील का पत्थर हासिल किया है, जिसने नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। तो नेविगेशन IC प्रणाली कौन सी सेवा प्रदान करती है। फर्स्ट ऑप्शन है मौसम पूर्वानुमान, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है नेविगेशन और प्रोजिशनिंग, फोर्थ ऑप्शन है रिमोट सेंसिंग इमेजरी। तो बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी नेविगेशन और पोजिशनिंग। क्या हो जाएगा, नेविगेशन और पोजिशनिंग। GPS के समान देश की स्थिति, नेविगेशन और समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा NAV IC प्रणाली विकसित की गई थी। यह भारत और आसपास के क्षेत्र में सटीक और रियल टाइम नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, कौन सी अन्य वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियां NAV IC के साथ इंटर ऑपरेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है GPS और ग्लोनास, सेकेंड ऑप्शन है गैलीलियो और बेइडो, थर्ड ऑप्शन है GPS और गैलीलियो, फोर्थ ऑप्शन है ग्लोनास और बेइडो और फिफ्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। ये जो चारों लिखी है ना, ये चारों हमारे सही आंसर हो जाएंगे। नाविक संकेत विशेष रूप से मानक स्थिति सेवा SPS GPS संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्लोनस रूस, गैलीलियो यूरोपीय संघ और बेइडो चीन के संकेतों के साथ अंतः संचालनीय है। यह इंटरऑपरेबिलिटी उपयोगकर्ता के लिए NVIC की उपयोगिता और अनुकूलता को बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, किस भारतीय राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक,
फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो बताइएगा फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? यह हमारी तेलंगाना राज्य ने कर लिया है। किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने किया है। तेलंगाना राज्य ने पीएम जेडीवीआई के तहत बैंकिंग सेवाओं का 100% घरेलू कवरेज हासिल कर लिया है, जिससे उन्हें आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? लघु बचत योजनाओं में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के निवेश के लिए आय प्रमाण की आवश्यकता वाले नए नियमों का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए अधिक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना। सेकंड ऑप्शन है, धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियों को रोकना। थर्ड ऑप्शन है, लघु बचत योजनाओं द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में वृद्धि करना। और फोर्थ ऑप्शन है, निवेशकों के लिए KYC प्रक्रिया को सरल बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियों को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियों को रोकने के प्रयास में भारत सरकार ने आय प्रमाण प्रदान करने के लिए इन योजनाओं में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का निवेश करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता वाले नए नियम लागू किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या लघु बचत योजनाओं की एक प्रमुख विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है, उच्च जोखिम वाले निवेश विकल्प। सेकंड ऑप्शन है, परिवर्तनीय ब्याज दरें। थर्ड ऑप्शन है, सीमित तरलता। और फोर्थ ऑप्शन है, कोई कर लाभ नहीं। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, सीमित तरलता। क्या हो जाएगा? सीमित तरलता हो जाएगा। छोटी बचत योजनाओं को तरलता की सीमाओं के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं हो सकती या दंड के साथ आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? दूसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है, मुंबई और भारत। सेकंड ऑप्शन है, ऋषिकेश उत्तराखंड भारत। थर्ड ऑप्शन है, पेरिस फ्रांस। फोर्थ ऑप्शन है, न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइएगा फ्रेंड, दूसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश उत्तराखंड में। यह हमारे कहाँ है? भारत में है। दूसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक ऋषिकेश उत्तराखंड भारत में आयोजित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? पूरे भारत में बैंकिंग टच पॉइंट्स का पता लगाने में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है, जनधन मित्र। सेकंड ऑप्शन है, PMJDY लोकेटर। थर्ड ऑप्शन है, वित्तीय समावेशन ऐप। फोर्थ ऑप्शन है, जनधन दर्शक ऐप। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, जनधन मित्र। यह मोबाइल एप्लीकेशन देश भर में बैंक शाखाओं, ATM, बैंक मित्रों और डाकघरों जैसे बैंकिंग टच पॉइंट्स का पता लगाने के लिए एक नागरिक केंद्रित मंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत छोटी बचत योजनाओं का एक लाभ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, अन्य निश्चित आय के अवसरों की तुलना में उच्च ब्याज दरें।
सेकेंड ऑप्शन है दंड के बिना निधियों तक आसान पहुंच। थर्ड ऑप्शन है कटौतियों के माध्यम से कर देयता को कम करना। और फोर्थ ऑप्शन है निवेश पर गारंटीकृत लाभ। तो बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी कटौतियों के माध्यम से कर देयता को कम करना। छोटी बचत योजनाएं धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्रदान करती हैं जिससे निवेशकों को इन योजनाओं में निवेश की गई राशि से अपनी कर योग्य आय कम करने की अनुमति मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 5.8%, सेकेंड ऑप्शन है 6.2%, थर्ड ऑप्शन है 6.5% और फोर्थ ऑप्शन है 6.8%। तो बताइएगा फ्रेंड्स SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी 6.2%। SBI इको रैप रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए 6.2% और 6.3% के बीच GDP वृद्धि का अनुमान लगाती है। आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।